मैं राजेश ठाकुर आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जिस तरह पूरा भारतवर्ष इस टाइम कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आप सभी लोग सहयोग करें, घरों पर रहे, सुरक्षित रहे, अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकल के मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी को अपनाएं। सरकार व जिला प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें और सभी लोग मिलकर कोरोना वायरस का सामना करें। ये जंग हम सब मिलकर जीत जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुनिहार और आसपास के क्षेत्रों से बेवजह और बिना कर्फ्यू पास आने वाले पर पुलिस की पैनी नजर रही। कुनिहार बस स्टैंड चौक पर डीएसपी रमेश शर्मा ने हिदायत दी कि लॉकडाउन के दौरान कम से कम लोग घर से निकलें और पैदल ही बाजार आएं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार पर्यटकों और मजदूरों को प्रदेश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए संबंधित प्रदेशों की सभी सरकारों से संपर्क किया जा रहा है। चलो ठीक है, जाओ थैंक यू। अपने परिवार वालों को लोगों को जब भी बाहर निकलना तो अगर जरूरी है तभी बाजार वगैरह जाना है, ऐसे अन्य मैं आज गया था, मेरे को 22,000 नहीं किराया भी लगता है ये तो आज गया था आज खोली है दुकान आई कहाँ आप सुनियार में दुकान कट चौक में अच्छा ठीक टेम्परेरी नंबर है सर, 50,000। क्या नाम है भाई का? इसको भी चेक करो, जिस प्रकार से जो हमारी जो गृह मंत्रालय भारत सरकार की जो कुछ गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार राज्य सरकारों को निर्देश हैं कि जो बाहरी राज्यों के जो मजदूर हैं, कोई यात्री है, टूरिस्ट है या कोई कामगार यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको यदि वो अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो उनकी सूची तैयार कर रहे हैं और सूची तैयार करने के बाद जिस राज्य में, जिस जिला में, जिस प्रदेश में वो जाना चाहते हैं वहाँ की सरकार से संबंध स्थापित करके उनसे बातचीत करके उनके जाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहें उनको वहाँ पर वो रखने और उनके ठहरने की व्यवस्था वो कर पाएं। उसी प्रकार से जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग बाहर हैं और वो अगर हिमाचल में आना चाहते हैं तो जहाँ से भी वो आएंगे वहाँ की सरकार पहले हमें सूचित करेगी कि इतने लोग हम भेज रहे हैं, ताकि हम उन लोगों को यहाँ पर उनको सही तरीके से उनको रख सकें, उनका चिकित्सा परीक्षण करवा सकें, ताकि किसी प्रकार से ये संक्रमण ना फैले। आज हमने कुनिहार में, जैसा आपको विदित है कि हमारा जो पुलिस स्टेशन है वो अभी एक किराए के भवन में चल रहा है, इसके लिए हमने एक दो जगह यहाँ पर जो भूमि का निरीक्षण भी किया जहाँ पर संभव हो सके कि पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाए। तो इसमें हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जो कि सड़क के नज़दीक हो, क्योंकि जैसा आपको मालूम है
कि पुलिस स्टेशन के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वाहन आसानी से आ सके, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ केसेस में हम बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह इंपाउंड करते हैं, ताकि उनको खड़ा करने के लिए भी हमें जगह मिल सके। हमारा प्रयास ये है कि इस तरह की हम कोई जगह का चयन करें, भूमि का चयन करें, और उसको अपने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हम जो है उपायुक्त महोदय से ये मामला उठाकर फिर भूमि जो है पुलिस विभाग को स्थानांतरित करवाने का प्रयास करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुनिहार से ब्यूरो प्रभारी मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड पद्दी आप सभी से अनुरोध करता है कि कोविड-19 को लेकर आप सभी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।